बस्तर में अज्ञात बीमारी के चलते 39 लोगों की मौत हो गई, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को घेरा, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सरकार बस्तर में पूरी तरह से फेल है। इतने बड़े मुद्दे के प्रकाश में आने के बाद सरकार गंभीर नहीं है, आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी बात करती है, चिकित्सा की व्यवस्था तक नहीं कर पाई। इसके साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि सरकार पूरे बस्तर में फेल है। वहीं रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ा उनको पीछे पलट कर देखना चाहिए। जब हम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकाल में बस्तर में 100-100 मौतें मलेरिया से होती थी। लगता है कि थोड़ा सा उनको पीछे पलट के देखना चाहिए। हमने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 100-100 मौतों बस्तर की मलेरिया से होती थी, हम विधानसभा में उठाते थे। स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी चरमरा सी गई थी बस्तर में, उनके कार्यकाल में कोई देखने वाला नहीं था। और छोटे छोटे मौत के इन आंकड़ों को अगर वो गिना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका दुर्भाग्य है। इतने बड़े मुद्दे प्रकाश में आने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है और आदिवासियों के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है, मगर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। मुझे लगता है ये सरकार का पूरे बस्तर में फेल्योर है, और जानकारी आएगी तो आप खोले वाले।